अब मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो कभी कभी क्या हो जाता है, वो मार्केट में प्रोडक्ट को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। ठीक है, एक्स एक मार्केट में, वाई दूसरे मार्केट में, तो कभी कभी आप प्रोडक्ट को लेकर के भी मैटर फंसता है। तो चलिए कि क्या मल्टीपल प्रोडक्ट के अंतर्गत क्या मोनोपोली का वो उत्पादन की कहीं यानी आउटपुट को लेकर के भी क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन को हम फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके पास यहाँ एक मोनोपोली फर्म है, उसके दो डिमांड कर्व हैं, एक P1 इक्वल टू 8 माइनस 2x है एंड दूसरा P2 इक्वल टू 14 माइनस y स्क्वायर है, और उस मोनोपोली का टोटल कॉस्ट फंक्शन है 10 प्लस 4x प्लस 2y है। ठीक है, अब आपको बताइए कि यहां पर उस इक्विलिब्रियम को ढूंढिए, ठीक है, जहां पर इसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम आउटपुट आप निकालना है एंड उस लेवल पर जो इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल होगा जहां पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, क्या उस स्तर पर उसका मूल्य क्या होगा, यह बताना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको इस तरह के प्रश्नों में वही आपको बेसिक लगानी है कि जो पाई बराबर आपका टीआर माइनस टीसी होता है, टीआर माइनस टीसी होता है, लेकिन मोनोपोली है तो मोनोपोली का टोटल रिवेन्यू दो सोर्स से आ रहा है, तीन सोर्स से आ रहा है, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, उसके दो डिमांड फंक्शन है, यानी डिमांड फंक्शन हम रिवेन्यू देंगे, तो डिमांड फंक्शन जब रिवेन्यू देंगे तो मेरा जो रिवेन्यू फंक्शन होगा टीआर वो आपका बनेगा क्या, P1 इंटू X1 प्लस P2 इंटू Y, ये आपका टोटल रिवेन्यू को दिखाएगा। अब यहां पर X का मान आपकी बार नहीं दिया एंड X एंड Y में फलन नहीं है, इस बार फलन आपको P1 एंड P2 में फलन है, तो आप P1 एंड P2 का मान रखोगे यहां पे। इसके पहले वाले प्रश्न में आपने X एंड Y का मान रखा था, ठीक है, यहां पर आपको क्या रखना है, जो आपका फलन जनरेट होगा वो X एंड Y के रेस्पेक्ट में जनरेट होगा, जबकि वहां पर P1 एंड P2 के रेस्पेक्ट में जनरेट हो चुका है। तो चलो यहां पर रख देते हैं वैल्यूज को, तो P1 आपके पास क्या है, 8 माइनस 2x ब्रैकेट में x प्लस P2 आपके पास है, आपका P2 का मान रखना था मुझे, P2 का मान है 14 माइनस y स्क्वायर एंड ब्रैकेट में y है। चलो x से मल्टीप्लाई करो तो 8x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 14 y माइनस y का होल क्यूब, ये आपके पास आ जाता है टोटल रिवेन्यू फंक्शन। ठीक है, ये आपके पास टोटल रिवेन्यू फंक्शन जनरेट हो गया एंड टोटल कॉस्ट फंक्शन गिवेन है आपके पास 10 प्लस 4x प्लस 2y। तो चलो इस पाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाले फार्मूले में हम इन वैल्यूज को रख देते हैं। तो चलो वैल्यूज को रखते हैं, तो पाई इक्वल टू आपके पास टीआर का मान है 8x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 14y माइनस y क्यूब, ब्रैकेट क्लोज कर दो, माइनस अब टीसी का रख दो 10 माइनस 4x प्लस 2y, चलो ब्रैकेट तोड़ दो, आपके पास प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा 8x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 14y माइनस y क्यूब माइनस 10 प्लस 4x माइनस 2y, ये आपके पास प्रॉफिट फंक्शन मेरे पास मिल जाता है। अब जब मुझे प्रॉफिट फंक्शन मिल गया तो इसका मैक्सिमा एंड मिनिमा टेस्ट कर लेते हैं। चलो पहली कंडीशन लगाते हैं, दैट इज नेसेसरी कंडीशन लगाते हैं और नेसेसरी कंडीशन के साथ देखते हैं कि क्या यहां पर प्लस 4x की जगह माइनस होगा सर, कहां पर माइनस 4x जहां पर लिखे हैं, जहां पर कर्सर है आपका सर। अच्छा यहां पर माइनस 10 ये ऊपर, अच्छा एक मिनट मुझे चेक करना, हाँ नहीं, हाँ 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 आपका माइनस है, अच्छा यहाँ पे ओके, ये प्लस में है ना ऊपर फंक्शन, हाँ ठीक है ये आपका, चलो ये अच्छी बात है आप लोग ध्यान दे लेते हो, ठीक है चलो ये आपका प्रॉफिट फंक्शन हो जाएगा। अब आपको इसमें नेसेसरी कंडीशन लगाना है, नेसेसरी कंडीशन लगाना है वही आपके पास टू वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से, एक्स एंड वाई वेरिएबल्स हैं, यानी यहां पर आउटपुट के संदर्भ में आपको
प्रॉफिट को मैक्सिमाइज देखना है, करना है। ठीक है, चलो पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। पार्शियल डेल आपके पास अपॉन एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं, डार्क थोड़ा सा। तो अब आपके एक्स के रेस्पेक्ट में 8 माइनस आपका 4, ये 4 हो जाएगा, 4 एक्स हो जाएगा एंड आपके पास माइनस 4, बस ये आपके पास हुआ इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, आपका हो जाएगा माइनस 4x प्लस 8, 4 इक्वल टू 0। ये पहला आपका हुआ पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो गया, समीकरण नंबर 1 बन गया। चलो आपका डेल पाई अपॉन डेल y के रिस्पेक्ट में, चलिए करते हैं। अब y के रिस्पेक्ट में 14 आपका हो जाएगा, आपके पास यहां पर माइनस 3y स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर माइनस 2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। और जब हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 14 में से आपका 2 माइनस हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो माइनस 3y स्क्वायर माइनस आपके पास प्लस 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 2 हो जाता है। ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो जाता है। अब यहां पर ऊपर वाले समीकरण से आपको x का मान तो 1 मिल ही रहा होगा, आप ध्यान से देख रहे होंगे कि यहां पर मुझे x का मान 1 मिल जाएगा। कैसे? आपका माइनस 4x इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा, ये 4 इधर आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 4 बाई 4 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 12, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड आपके पास y स्क्वायर इक्वल टू 12 अपॉन 3 हो जाएगा एंड आपके पास y इक्वल टू अंडर रूट 12 बटे 3 हो जाएगा। तो जब y का 12 बटे 3 हो जाएगा तो इसकी 3 चौक 12, 4 आ जाएगा और 4 का रूट आपका प्लस माइनस, आपके पास दो वैल्यूज होंगी, एक प्लस एंड माइनस के साथ 2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू ये आ जाएंगी और इकोनॉमिक्स में अधिकतर आप प्लस की वैल्यू को चल सकते हो क्योंकि रियल लाइफ में हम लोग जीते हैं, निगेटिविटी में नहीं जीते हैं। तो आप कहोगे कि इकोनॉमिक्स में 2 यानी y की वैल्यू रियलिस्टिक होगी, यानी 2 पर हम लोग काम करेंगे। अब इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग, मैथ में होता था दोनों वैल्यू पर हम लोग टेस्ट करते, बट इकोनॉमिक्स लग रही है तो यहां पर x का मान आ गया, यानी x आउटपुट यानी x का उत्पादन एक मोनोपोली एक इकाई करेगा तथा y का उत्पादन 2 इकाई करेगा। अब क्या ये जो उत्पादन करेंगे ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को दर्शा रहे हैं या नहीं दर्शा रहे हैं? तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में टेस्ट करेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर में जब हम टेस्ट करेंगे तो ये जो आपका है यहां पर जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इस पर सेकेंड ऑर्डर में यहां पर लगा रहा हूं, सेकेंड ऑर्डर लगाते हैं तो सफिशियंट कंडीशन को प्रूफ करते हैं। तो आपके पास डेल स्क्वायर पाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, जब सेकेंड ऑर्डर करते हैं तो माइनस 4 आ जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि जो एक्स इक्वल टू 1 आया है ये प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहा है क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मान निगेटिव है, 0 से कम है एंड ये मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलो अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव y की वैल्यू के साथ काम करते हैं। तो y की वैल्यू के जब साथ काम करेंगे तो डेल स्क्वायर पाई अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल टू माइनस आपके पास 6y हो जाएगा। y का मान रख दो तो 2 रखोगे वैल्यू तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो ये माइनस 12 हो जाएगा। तो ये जो सेकेंड ऑर्डर आया ये भी निगेटिव आया, यानी y इक्वल टू 2 जो वैल्यू हमने माना है वो मैक्सिमाइज करेगा आपके आउटपुट को, यानी जो हमने x की वैल्यू एंड y की वैल्यू दोनों निकाली है इतना उत्पादन करने पर एक उत्पादक को एक मोनोपोली को क्या कर हो जाएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहां कहां से पूछ सकते हैं, एक्स एंड वाई की वैल्यू तो आपको निकालना कंपलसरी है, मैंने निकाल दिया। आपसे पूछा जा सकता व्हाट विल बी टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू फंक्शन में इसमें आप वैल्यू एक्स एंड वाई की रख देना, आपको टोटल रेवेन्यू पता चल जाएगा। व्हाट विल बी टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट फंक्शन आपके पास दिया है इसमें एक्स एंड वाई का मान रख देना, आपको टोटल कॉस्ट का मान पता चल जाएगा। व्हाट विल बी प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, आप प्रॉफिट फंक्शन में एक्स एंड वाई की वैल्यू रख देना, कैलकुलेट कर लेना, आपको प्रॉफिट की वैल्यू मिल जाएगी। व्हाट विल बी
बी प्राइस, प्राइस पी वन एंड पी टू, प्राइस क्या होंगे, पी वन का मान बताइए, पी टू का मान बताइए। देखिए यहां पे प्राइस लेवल पूछा भी गया है, तो आप पहले वाले समीकरण में, पहले वाले डिमांड फंक्शन में पी वन इक्वल टू एट माइनस टू एक्स में अगर वैल्यू आप एक्स की रख दोगे तो एक्स की वैल्यू रखने पे वन, तो आपके पास छह, यानी प्रथम मूल्य क्या होगा, छह रुपए होगा, पी वन होगा छह रुपए होगा, एंड पी टू कितना होगा, फिर से आप यहाँ पे वाई का मान रख दीजिए, दो दूनी चार आपका दस, यानी पी वन आपका एक का होगा, पी वन का मान छह एंड पी टू का मान आपके पास दस रुपए निकल करके आ जाता है। तो ये चार पांच इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपको ऑलरेडी आ जाती है अगर आपने इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालना सीख लिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। तो इस तरह आपका मोनोपोली का बिहेवियर जो होता है उससे आपको दो प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं, और दोनों प्रकार का मैंने आपके साथ प्रैक्टिस करा दिया है, बहुत इजी होता है इसको, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक बार मैं आपको बता दूं कि आईएएस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से एक उत्पादक, निम्न में से एक एकाधिकारी उत्पादक कौन सी एक्टिविटी कर सकता है। पहला ऑप्शन केवल उत्पादन का निर्धारण, दूसरा केवल मूल्य का निर्धारण, तीसरा एक बार में या तो मूल्य का निर्धारण या तो उत्पादन का निर्धारण, चौथा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो तीसरा था। मोनोपोली फर्म की एक विशेषता होती है कि या तो वो मूल्य का निर्धारण करेगी तो मात्रा ऑटो डिटरमाइन होगी, मार्केट करेगा, या मात्रा का डिटरमिनेशन करेगा, मूल्य आपका मार्केट डिटरमिनेशन करेगी। तो मैंने दोनों के साइड से लेकर के बात किया इस प्रश्न में, पहले में मैंने मूल्य का डिटरमिनेशन मोनोपोली से करवाया, आपका मार्केट मैकेनिज्म क्वांटिटी डिटरमिनेशन किया, यहां पर मैंने आउटपुट डिटरमिनेशन मोनोपोली द्वारा करवाया, प्राइस मार्केट डिटरमाइन करेगा। तो ये दो ही सिचुएशंस पॉसिबल हैं, तीसरी सिचुएशंस पॉसिबल नहीं है। इस प्रकार का पार्शियल यानी आंशिक अवकलन के द्वारा, आंशिक अवकलन गुणांक के द्वारा हम डिस्क्रिमिनेटिव मोनोपोली का इक्विलिब्रियम पर आसानी से जा सकते हैं। तो अब आपका प्रश्न है कोई तो पूछिएगा।